कक्षा 10 एक्सरसाइज 13.1 आज हम इसका तीसरा प्रश्न करने जा रहे हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च को बताता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। इसका जो माध्य दिया गया है वो हमें 18 रुपये दिया गया है। लुप्त बारंबारता F ज्ञात कीजिए। तो यदि आप इस टेबल को ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पर दैनिक जेब भत्ते दिए गए हैं कि 11 से 13 रुपए तक कितने बच्चों को जेब खर्च मिलता है, 7 बच्चों। 13 से 15 रुपए तक कितने बच्चों को जेब खर्च मिलता है, 6 बच्चों। इसी प्रकार से 15 से 17 9 बच्चों को, 17 से 19 13 बच्चों को, 19 से 21 रुपए कितने बच्चों को मिलते हैं ये हमें नहीं पता, इसलिए यहाँ दिया गया है एफ। 21 से 23 5 बच्चों को और 23 से 25 4 बच्चों को दैनिक भत्ता मिलता है। अब हमें माध्य हमें दिया गया है, हमें निकालना है F, यानी कि ये हमें प्राप्त करना है। तो यहाँ पर क्योंकि माध्य का प्रश्न है तो इसलिए हम इसमें प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग करेंगे। प्रत्यक्ष विधि के लिए सबसे पहले जो हमें निकालना है वो है वर्ग चिन्ह, जिसको कि हम कहते हैं एक्साइड। और ये वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है, ये वर्ग चिन्ह निकलता है जो आपका वर्ग अंतराल है उसका मध्य बिंदु। और वो कैसे निकलता है, 11 और 13 के बिल्कुल बीच में क्या होगा, 12, 13 और 15 के बीच में 15 और 17 के बीच में 16, 17 और 19 के बीच में 18, 19 और 21 के बीच में 20, 21 और 23 के बीच में 22 और 23 से 25 के बीच में 24। तो ये हमने निकाले हैं वर्ग चिन्ह, जिसको कि हम एक्स आई से डिनोट करते हैं। अब हमें निकालना है एफ आई गुना एक्स आई। ठीक है, इसका मतलब जो बच्चों की संख्या है ये होती है एफ आई, ये है एक्स आई, इन दोनों को हम गुना करेंगे तो हमें प्राप्त होगा एफ आई गुना एक्स आई। आइए करके देखें, 12 गुना 7 होता है 84, 14 गुना 6 भी होता है 84, 16 9 होता है 144, 13 गुना 18, 13 8 के 104 कहां से आया 10, 13 एक 13 और 10 देखिए, एफ गुना 20 ये हो जाएगा 20 एफ, 20 गुना एफ 20 एफ, 22 गुना 5 ये हो जाएगा 110 और 24 गुना 4 हो जाएगा 24 चौके 36। अब मैंने इस 20F को अलग क्यों लिखा, क्योंकि ये सारी तो है संख्याएं, ये भी है संख्याएं, लेकिन ये जो है ये एक चर है 20F, इसलिए इसको हमने अलग लिखा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा माध्य का फार्मूला है प्रत्यक्ष विधि के अनुसार, हमारा माध्य का फार्मूला है समेशन Fi गुना Xi बटा समेशन Fi, यानी Fi गुना Xi का जोड़ और Fi का जोड़। तो यहां देखें Fi का जोड़, यदि हम इसे प्लस करें तो आएगा 7 6 13 13 9 22 22 और 13 35, F बाद में देखते हैं, 35 और 5 40 40 और 4 44, तो ये आ गया 44 प्लस F। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसका जोड़ करेंगे तो सभी संख्याएं अलग प्लस हो जाएगी, प्लस ये चर है ये अलग से हम लिख सकते हैं। तो इनको प्लस करते हैं, 4 8 12 16 16 और 6 22 आंसर आया 2, 8 और 2 10 10 8 18 18 4 22 3 25 1 26 और 9 35 आंसर आया 3 1 4 2 6 और 1 7, ये आ गया 752 प्लस 20 F। इन दो वैल्यूज को अब हम अपने माध्य के फार्मूला में लिखते हैं। माध्य हमें दिया हुआ था 18 बराबर समेशन Fi गुना Xi, ये आया है 752 प्लस 20 F बटा समेशन ऑफ Fi, समेशन ऑफ Fi आया है 44 प्लस F।
इसे अब हमने हल करना है। इसे हल करने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को यहां अठारह के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 को 44 से गुणा करना है, तो यह आ गया 18 चौके 72, आंसर आया 7। 18 चौके 72 और 7 792। 18 को जब f से गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा 18f बराबर, यहां है 752 प्लस 20f। अब हम इसमें क्या करेंगे, सात सौ बानवे यही छोड़ दो, 752 इसके साथ प्लस हो रहा है, जब ये इधर आ जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। यहां पर है 20f, यह 18f जो कि इसके साथ प्लस हो रहा है, जब ये बराबर से उधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब 792 में से 752 माइनस कर दो तो हमारे पास आ गया 40, 20f में से 18f माइनस कर दो तो हमारे पास आ गया 2f। यहां से यदि हम देखें 40 2f के साथ गुणा हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा और यहां बच गया f, 2 से 40 कट गया 20, तो f हमारे पास कितना आ गया है 20 आ गया। यही हमें इस प्रश्न में प्राप्त करना था। पिछले दो प्रश्नों में हमने देखा था कि हमें डेटा दिया गया था, हमें सारणी में से माध्य याद करना था, चाहे वो प्रत्यक्ष विधि से सही चाहे कल्पित माध्य। लेकिन इस प्रश्न में हमने देखा कि हमें क्या करना था, हमें माध्य दिया हुआ था, बीच में से एक f की वैल्यू नहीं दी हुई थी, हमने वो f की वैल्यू जो है वो प्राप्त कर ली है, जो कि आया है f बराबर 20।